आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर को। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। सबसे पहले ऑसिलेशन में हम लोग को पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो जानना चाहिए। पीरियोडिक मोशन, जैसे आप किसी फैन का मोशन देखें, है ना, फैन अगर अपने मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच चुका है उसके बाद उसका मोशन देखें, तो उसमें कोई एक पॉइंट है वो सर्कल में घूमता रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फिक्स टाइम के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो ऐसा कोई भी मोशन जो फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट करता है, फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट, ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का जो मोशन है सन के अबाउट पीरियोडिक मोशन है। उसके अलावा पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसे मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं वो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं, और जितने टाइम के बाद रिपीट करते हैं उसको उनका क्या बोलते हैं, बोलो, टाइम पीरियड। ठीक है भाई, जितने टाइम के बाद रिपीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनका टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये कहलाता है साइकल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड। एक बार पूरा पूरा अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है, जब रिपीटेशन शुरू होता है उससे पहले जो कंप्लीट करना है उसी को एक साइकिल कहते हैं। और ये बताता है कि कितने साइकल्स हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो ये कुछ कुछ चीजें होगी पीरियोडिक मोशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के मोशन को देखते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, यही मेनली हम लोग को इसमें पढ़ना है ना। तो ऑसिलेशन क्या होता है, कोई एक मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे आप पेंडुलम ले लें, पेंडुलम जो है उसका ये मीन पोजीशन कहलाता है, और ऐसे ये उसका दो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाया। ठीक है भाई, और यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से आए और ऐसे ऐसे होता रहेगा, है ना। अगर डैम्पिंग नहीं हो रहा हो, अगर बाहर से कोई रेजिस्टिव फ्रिक्शन टाइप का फोर्स, ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा हो, तो वो हमेशा इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। ऑसिलेशन का एग्जांपल आप झूला ले सकते हैं, झूला पे बैठ के से झूलते हैं, है ना, वो भी एक एग्जांपल है किसका, ऑसिलेशन का। उसके अलावा आपको मालूम होगा कि सॉलिड का जो बॉडी होता है, सॉलिड बॉडी उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने फिक्स्ड जगह के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेशन करता है। बहुत तेजी से जब ऑसिलेशन होने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। बट बात एक ही चीज है, उसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, ऑसिलेशन। इसी ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस कहलाता है SHM। ठीक है भाई, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑसिलेशन कराने के लिए क्या जरूरी है, मान लीजिए आपने इधर इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो पेंडुलम ले लें, अगर आपने इधर इसको डिस्प्लेस किया, आप इसकी जगह ये भी ले सकते थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, आपने अगर इसको इधर डिस्प्लेस किया है तो एक फोर्स चाहिए जो उसको वापस लाए। ठीक है भाई, एक फोर्स चाहिए जो उसको क्या करे, वापस लाए। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑसिलेशन कराने के लिए। तो हर ऑसिलेशन में ये रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो जब ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के साथ लीनियरली वेरी करता है, जब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है एक्स के साथ लीनियरली वेरी करता है, तो हम लोग इस फोर्स को या इस तरह के मोशन को SHM कहते हैं। इसमें लीनियरली वेरी करने का मतलब एफ एक्स जो होगा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्स का पावर एन हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, एक्स का पावर टू हो सकता था, थ्री हो सकता था, फोर हो सकता था, फाइव हो सकता था। हालांकि रीस्टोरिंग होने के लिए एक्स का पावर ऑड होना जरूरी है। ठीक है भाई, रीस्टोरिंग होने के लिए एक्स का पावर ऑड होना जरूरी क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन हो सकता था, लेकिन हम लोग लेंगे जो इनका वैल्यू क्या हो, वन हो, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, तब उस केस में f इक्वल टू लिखते हैं माइनस kx। माइनस kx क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि क्योंकि x जो है इधर है और फोर्स इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों,
फोर्स और एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख रहे हैं। याद करो स्प्रिंग फोर्स भी तो यही होता था। तो ऐसे फॉर्मेट में जब भी आपका फोर्स आ जाए आप समझ लीजिए सम काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट टू अकर, कुछ काइंड ऑफ ऑसिलेशन तो पक्का होने वाला है। तो ऐसा जब मोशन होता है इसको हम लोग SHM कहते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? SHM। चलिए अब यहां तक की कहानी हो गई। अच्छा अब देखिए, आपको मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल कर रहा हो, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा हो, सर्कल, ठीक है, और आप उस सर्कल के प्लेन में ही अपना आईज रखें, ठीक है, तो आपको वो पार्टिकल ऑसिलेशन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो पार्टिकल क्या करता हुआ नजर आएगा? ऑसिलेशन। कैसे? आपका जो प्लेन है सर्कल का वो ऐसा है, ठीक है भाई, ऐसा है, और उसी प्लेन पे आप देख रहे हैं। तो जब वो यहां होगा चाहे यहां होगा आपको दिखेगा यहीं, ठीक है। अब वो ऐसे आगे बढ़ा तो इसके दौरान आपको ऐसे वो जाते हुए दिखेगा, ठीक है, और जब वो यहां पहुंच जाएगा तो यहां तो वो दिख ही रहा है। फिर जब वो वापस लौट रहा होगा उस तरह उस उधर से, तो इधर से ऐसे जाता हुआ दिखेगा। जब वो यहां आएगा तो फिर आपको यहां दिखेगा, और फिर जब वो इधर जाएगा तो फिर आपको वो यहां आता हुआ दिखेगा, यहां दिखेगा, ठीक है। इसके दौरान वो ये मोशन कर रहा है ना, और फिर जब वो इधर आएगा तो आपको वो वापस आता हुआ दिखेगा, दिखा। तो एक्चुअली में सर्कल का अगर शैडो बनाए, सर्कुलर मोशन का, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और इधर से आप लाइट जगा दें और उधर आप स्क्रीन लगाते हैं, तो आपको उसका जो सर्कुलर मोशन है वो कैसा दिखेगा? SHM दिखेगा, ऑसिलेशन दिखेगा, है ना भाई। यहां से हम लोग बहुत सारी चीजों को निकालेंगे, ठीक है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहां पर और कुछ कुछ चीजें कर लेते हैं। F equals to minus kx हो गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो F जो अगर net force है तो mass into acceleration equals to minus kx होगा, है ना, और फिर इसको A equals to minus k by m into x लिख सकते हैं। यानी A को क्या लिख सकते हैं, देखो इस चीज को हम लोग ओमेगा स्क्वायर आगे कहेंगे, कैसे आता है वो दिखेगा आपको, ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर x, जहां ओमेगा क्या होगा, बोलो ओमेगा इक्वल्स टू k by m। कैसे आएगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट आगे बढ़ते हुए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं मैं, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आपको यहां से डायरेक्टली दिख जाएगा। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM? अब यहां से प्रोसीड करते हुए यहां तक आ चुके हैं कि आप ये याद है आपको कि एक्सेलरेशन को हम लोग डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा, देखिए उसी इक्वेशन को यूज करेंगे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है ना, ये SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी मोशन जो इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है वो SHM कहलाएगा। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, मतलब उसका x का डबल डेरिवेटिव यहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जल्दी से इतना कॉपी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन ये हमारे मेन कंसिडरेशन का चीज नहीं है, मेन है SHM, है ना, मेनली हम लोग SHM ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए यहां पर बिफोर गोइंग फर्दर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करनी जरूरी है, जो वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्चुअली जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होते हैं। क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको याद होगा ऐसा होता है, और इसमें जब आप बॉडी को यहां रखते हैं तो इस पॉइंट पे हम लोग du by dx या du by dr जिसके टर्म्स में हो वो जीरो होता है, यानी कि नेट फोर्स यहां पे क्या होता है? जीरो। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं।
और जब हम लोग इधर लगाते हैं, इधर इसको मूव कराते हैं, तो x पॉजिटिव है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे x क्या है भाई, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओरिजिन हो सकता है आप कहीं और माने, तो x कोऑर्डिनेट कुछ और आए उससे मतलब नहीं है, हमको हमेशा मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम जहां पे है, जहां नेट फोर्स क्या है बोलो जीरो है, वही उसका मीन पोजीशन होगा, वही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। उसके अबाउट, ध्यान से सुनना, उसके अबाउट, उस पे तो नेट फोर्स जीरो है, उससे कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स कर रहे हैं वो है एक्स वहां पर, ठीक है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखिए इधर जब किए तो एक्स इज पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा आपको याद होगा एफ जो होता था वो क्या होता था, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है कि नहीं, एफ क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा इस स्लोप से पता कर लेते हैं, ये स्लोप यहां पे पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पे दिख रहा है हमको। उसी तरह से यहां पे जब आएंगे तो एक्स क्या होगा बोलो, नेगेटिव और इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। तो जहां एक्स नेगेटिव हुआ वैसे फोर्स पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव हुआ फोर्स नेगेटिव हो गया, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां पे आपको एक पॉइंट लिख देना है कि ऑसिलेशन ऑलवेज अकर्स अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमेशा ऑसिलेशन किसके अबाउट अकर करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट करेगा। इस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स ही हो, एक्स टू द पावर एन कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि SHM हर ऑसिलेशन SHM ही हो, नॉर्मल कोई ऑसिलेशन भी हो सकता है, लेकिन जो भी ऑसिलेशन होगा वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होगा, और इसकी वजह से जो भी SHM ही होगा वो भी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा, क्योंकि ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस क्या है बोलो, SHM। क्लियर है ये चीज। अब देखिए यहां से दो तरीके हैं जिससे हम इक्वेशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, दो तरीके हैं जिससे हम लोग क्या पहुंच, कहां तक पहुंच सकते हैं, इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, मेन इक्वेशन जहां तक पहुंचना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है भाई, ये ओमेगा क्या है उससे शुरुआत करेंगे, आपको दोनों तरीका बताएंगे कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है भाई। एक तरीका ये है कि आप फोर्स को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाले और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके फिर पोजीशन निकाले, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा फेजर मेथड, तो हम लोग इसी फेजर मेथड को यूज करेंगे, फेजर मेथड यूज करेंगे फॉर SHM। SHM अगर कोई चीज फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका कोई इक्वेशन होगा, है ना, जैसे कोई चीज कोई पार्टिकल है वो फॉलो करता है x equals to t square, तो उसका x कोऑर्डिनेट इसी तरह से वेरी करता है। हमको एक ऐसा x का इक्वेशन चाहिए जो x को कभी पॉजिटिव बनाए और x को कभी, अरे वही मीन पोजीशन को अगर ओरिजिन माना है, इधर जाएगा तो x पॉजिटिव और इधर जाएगा तो x, और फिर वो रिपीट करे ऐसे घूमता रहे, वो बढ़े नहीं घटे नहीं, तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन, समझ रहे हो, कैसा फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन जो अपने आप को खुद ही रिपीट करे। क्या ये रिपीट करेगा, क्या ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। तो ऐसे इक्वेशंस देके आपसे बोलेगा बताओ भाई ये पीरियोडिक मोशन है कि नहीं, बताओ e का पावर t क्या ये पीरियोडिक मोशन है, अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये लगातार बढ़ता है, ये कभी घटता नहीं, तो हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए जो बढ़े भी और घटे भी हो, घट के पॉजिटिव भी, मतलब बढ़ के पॉजिटिव भी हो, घट के नेगेटिव भी हो, यहां तक। तो ऐसे इक्वेशंस जो है वो पीरियोडिक फंक्शन से ही केवल रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और वो पीरियोडिक फंक्शन में जो सबसे फेमस हम लोग का फंक्शन है जो फाइनाइट वैल्यूज लेता है वो साइन थीटा है और कॉस थीटा है कि नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में अगर हम थीटा के जगह टी के टर्म्स में कुछ रख दें तो ये टाइम के साथ वेरी करने लगेगा, सोचो टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल मान लो जीरो से बढ़ना शुरू होगा तो जीरो से बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, बढ़ के वन हो जाएगा और फिर वन से फिर घटेगा कि नहीं, तो देखो बढ़ के वन हुआ, वन से घट गया, घट के फिर जीरो हुआ, फिर जीरो से माइनस वन हुआ, माइनस वन से फिर बढ़ के जीरो हुआ, तो ये बहुत सूट कर रहा है, कॉस थीटा भी सूट कर रहा है, देखो वन से स्टार्ट करते, यहीं से यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते, अरे ब्लॉक को ऐसे खींचे और छोड़ दिए
तो यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी यहीं से स्टार्ट हो, यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता है सिस्टम। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से आया जीरो पे, जीरो से माइनस वन, फिर माइनस वन से जीरो, और जीरो से फिर प्लस वन, ये कॉस का ग्राफ है। तो साइन कॉस दोनों में से कोई भी ले लो, एसएचएम को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना। अब यही हम बता रहे थे कि एक सर्कुलर मोशन अगर कोई चीज कर रहा हो तो वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां पे हम फेजर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर, इस वेक्टर को ही हम फेजर कहते हैं, और ये वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है बोलो, रोटेट कर रहा है। ठीक, तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और शुरू में कुछ एंगल फाई बना रहा था, ठीक है, इस फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज फाई बोलते हैं। इसका नाम देखेंगे, क्या क्या काम है वो भी देखेंगे, लिखते जाओ क्या क्या बोल रहे हैं। इनिशियल फेज, ठीक है भाई, ये इनिशियल फेज। अब t टाइम के बाद ये वेक्टर रोटेट होके, रोटेट होने के दौरान लेंथ बढ़ तो नहीं जाएगा, लेंथ तो उतना ही रहेगा, रोटेट होके ओमेगा t एंगल पे चला जाएगा फर्दर। और कैसे पता चलेगा भाई, देखना थीटा माइनस फाइव, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी थीटा है मान लो, टोटल एंगल थीटा है, तो थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या एंगुलर वेलोसिटी देगा वो, उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा कि नहीं, तो बताना थीटा कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फाइव को पहले फाइव और ओमेगा टी घूमेंगे, तो फाइनली एंगल जो होगा ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव हो जाएगा। दिख रहा है सब? अच्छा, अब देखना इस पॉइंट का अगर हम पूछें कि भाई साहब बताइए एक्स पे प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के बाद क्या होगा, अगर इसका लेंथ ए मान लो, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस होगा ना, एक्स पे ले रहे हैं ना प्रोजेक्शन, तो कॉस हो, ये एक्स का वैल्यू, वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको जिससे मन है उससे आप एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसका जो टिप है ना, टिप टिप सर्कुलर मोशन कर रहा है, टिप मतलब पॉइंट, फेजर तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, और उसका जो एक टिप है, टिप टिप समझ रहे हैं, ये टिप सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस ए, उस टिप का शेडो एक्स एक्सिस पे बनाओ चाहे शेडो वाई एक्सिस पे बनाओ, वो आपको क्या क्या करता हुआ दिखेगा, एसएचएम करता हो देखिए, और उसका इक्वेशन ये है, या ये जहां ओमेगा क्या है, उस फेजर का एंगुलर वेलोसिटी, ये तो हो गया सर्कल के टर्म्स में एंगुलर वेलोसिटी। जब एसएचएम वो करता है तो ओमेगा को कहते हैं उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ये उस सर्कल का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई, हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग ज्यादातर इसको यूज करेंगे। अब कोऑर्डिनेट आप वाई लिखें चाहे एक्स लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग साइन ओमेगा टी वाले टर्म को ज्यादा यूज करेंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से हमने एक्स का जो इक्वेशन है वो डिराइव कर लिया, यही ऑसिलेशन या यही एसएचएम का इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई, या कोई x ऐसे ही ले लो, x बोला कि भाई x है इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक, प्लस b कॉस ओमेगा t, बताओ भाई ये एसएचएम है कि नहीं? हाँ, ये भी एसएचएम, ये भी क्या बोलो, एसएचएम। इसको हम लोग एक्चुअली सिंगल साइन या कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, नीचे नहीं आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला चर्चा तो बहुत पहले कर ली,
इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको यहां लिखो x इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं, यहां मल्टीप्लाई किया दोनों में डिवाइड कर लिया क्योंकि ये जब दोनों के पास आएगा तो ये मिल जाएगा। और इसको हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं ए और बी साइड ले लेते हैं, तो एक साइड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिसको आपको कॉस बनाना है साइन बनाना है उसे कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए इसको आप ठीक फाई मान लीजिए थीटा मान लीजिए जो मैंने मान लीजिए, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से बोलिए कॉस फाई होगा, इस ट्रायंगल को देख के बताइए कॉस फाई होगा, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, दिख रहा है साइन फाई b by root over a square plus b square, क्या sin phi दिख रहा है, तो वही x का वैल्यू क्या आ गया root over a square plus b square into into क्या लिख सकते हैं sin, अरे देखो ध्यान से omega t plus phi हो गया, अरे ये sin a plus b का formula है, sin a cos b plus cos a sin b, ये sin a plus b का formula है, तो भाई साहब ये single sin में convert हो गया कि नहीं, और अगर ये single sin में convert हो गया इसका फॉर्म इसकी के जैसा है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से सुने, यहां पर अभी हमने चर्चा क्या क्या करी है, फाई क्या है और ओमेगा क्या है और क्या क्या चीजें जो अननोन है आपके लिए, ए ए जो है यहां पर इस इक्वेशन के लिए वो है एम्पलीट्यूड, क्या है बोलो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, भाई साहब क्योंकि ए के सर्कल में घूम रहा है तो मैक्सिमम इसका दूरी यहां से कितना हो सकता है ए हो सकता है, तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको लिखते जाइएगा है ना, ए लिखेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, और इसी का नाम होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर आपने एक क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसके फॉर्म में ऐसे दे देगा, इसके फॉर्म में दे देगा और बोलेगा भाई साहब इसका एम्पलीट्यूड निकालो, पूछ सकता ना भाई इस मोशन का एम्पलीट्यूड निकालो, निकाल सकते हैं क्या इस मोशन का एम्पलीट्यूड निकालो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, ये निकल गया ना इसका एम्पलीट्यूड, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा डायरेक्ट, ये साइन ओमेगा टी है कॉस ओमेगा टी, कहां से एम्पलीट्यूड लिखेंगे, इस फॉर्म में होना चाहिए तब ना, ये यहां पे भी ये या तो केवल साइन या केवल कॉस तब रहे, तो जो सबसे आगे रहता है x का जो मैक्सिमम वैल्यू आए, जो गणित वाले वो जानते हैं इस टर्म का a sin थीटा प्लस b cos थीटा टर्म का मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो वही x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, x क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, किसी टाइम टी पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजिशन, समझ में आया, तो इसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को ना कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस हुई है, इसी के मैक्सिमम वैल्यू को ये कह रहे हैं ए, लेकिन यहां पर ये ए थोड़ी है मैक्सिमम वैल्यू, अलग अलग थीटा के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया, आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जल्दी से कॉपी करिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दें, फाई को हमने इनिशियल फेज कहा है, ये जो साइन के अंदर का पूरा एंगल है ना ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम लोग कहते हैं फेज, क्या कहते हैं फेज कहते हैं, उसी फेज का इनिशियल वैल्यू, ये फेज आप देखें टाइम पे डिपेंड कर रहा है, फेज किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो इस टाइम पे अगर t इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
इनिशियल फेज मिलेगा कि नहीं? अब वेलोसिटी होता है भाई, t इक्वल टू जीरो वाले वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह t इक्वल टू जीरो वाले फेज को क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। वो फेज था, ये इनिशियल फेज है। अच्छा, इसी का कभी कभी नाम ये भी कहा जाता है फेज कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये फेज कॉन्स्टेंट कौन सा हो गया। इनिशियल फेज को ही क्या बोलते हैं? फेज कॉन्स्टेंट। क्यों कहते हैं फेज कॉन्स्टेंट? क्योंकि फेज का वो कॉन्स्टेंट पार्ट है, फेज का वो क्या है? कॉन्स्टेंट पार्ट। दूसरा पार्ट जो ओमेगा टी है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो फेज का जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको फेज कॉन्स्टेंट कह देते हैं, है ना? इतना तो क्लियर है। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो फेजर रोटेट करता है उसी का, उसी को एसएचएम में हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, बताओ भाई। ये है तो वहीं से उठाया है ना, तो टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होगा निकाल सकते हैं बताइए। टाइम पीरियड जो इस सर्कल में घूमने वाले बॉडी का होगा वो क्या होगा? 2π/ओमेगा होगा। देखो भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और पूरा एक साइकिल में कितना एंगल वो घूमेगा? 2π। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर वेलोसिटी टाइम दे देगा कि नहीं दे देगा? तो टाइम पीरियड जो होगा वो 2π/ओमेगा हो गया। और देखो, और देखो 1/T को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई 2π। यानी यही न्यू है, समझ रहे? यही न्यू। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन हो गया समझ में आया? एक है साइकल्स पर सेकंड और एक है एंगल्स पर सेकंड। एक है साइकल्स पर सेकंड, वन साइकिल इन टी टाइम, तो पर सेकंड जो साइकिल हो गया वो 1/T हो गया। और 2π रेडियन इन टी टाइम, तो ये एंगल पर सेकंड हो गया, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। समझ में आया? हाँ भाई। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पे बेस्ड, इतना ही कॉन्सेप्ट पे, बिना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए, बिना कॉन्सेप्ट को आगे खींचे, इस पे कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। तो देखें इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है 200 sin 4π/t0 (t+π/4), ठीक है भाई। हम लोग को निकालना है फाइन a ओमेगा फाइ फेज कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। इस SHM का, ये एक SHM का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोगों को ए निकालना है, ओमेगा निकालना है, फाइ निकालना है, न्यू निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, सब कुछ निकाल लेना भाई। एम्पलीट्यूड देखो क्या यहाँ साइन है, उसके सामने वाला जो चीज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो 200 हो गया, यूनिट जो भी यूनिट होगा, ठीक है। उसके अलावा ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालते हैं? देखो भाई, यहां पे लिखते हैं ओमेगा टी, ओमेगा क्या लिखेंगे? 4π/t0 लिखेंगे कि नहीं? अरे वहां लिखते हैं ओमेगा टी प्लस फाइ, तो बताओ फाइ क्या होगा फिर? π/4, जो टर्म टी से इंडिपेंडेंट है, एंगल का वो फेज का वो टर्म जो टी से इंडिपेंडेंट है उसी को फाइ कहेंगे। अच्छा, ओमेगा अगर पता चल गया तो न्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा बाई 2π, अभी तो सीखे। देखो तो 2π/t0 यही होगा क्या फ्रीक्वेंसी? ओमेगा बाई 2π, तो डिवाइडेड बाई 2π कर दो, कट गया 2π/t0 आ गया। अच्छा, तो टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड क्या हो गया? न्यू का उल्टा 1/n, है ना? यानी t0/2। तो वहां पे जो भी t0 दिया होता उसका बाई 2 करेंगे तो वो हम लोग को क्या दे देगा? वो हम लोग को टाइम पीरियड दे देगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी अभी जो बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। y इक्वल्स टू दिया होगा 10 sin ωt + 10 cos ωt। आपको बोला भाई एम्पलीट्यूड निकाल दो, एम्पलीट्यूड फाइ दोनों निकालना, a निकालना, ओमेगा निकालना, a और फाइ निकालना, ओमेगा तो सीख जाएगा, a और फाइ, बस बस इतना चीज।
तो देखो भाई अभी अभी बताया था कि a sin omega t plus b cos omega t, तो वो तो इसका एम्पलीट्यूड जो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होगा। तो क्या आपको ये दिख जाएगा टेन रूट टू, दिख गया ये कितना आ गया टेन रूट टू, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा फाई निकालना तो कैसे निकालना, देखो वाई इक्वल्स टू, आपको याद है वहां पे टेन फाई आपको बताए थे है ना, हमने क्या लिया था ए नीचे वाले को लिया था, बी यहाँ लिया था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को तो फाई कहा था। और वही फाइनली आपका वाई का इक्वेशन आ गया था टेन रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही आ गया था। आप बिल्कुल उसी तरीके से चाहे तो मेहनत करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए टेन फाई क्या होगा, tan phi बराबर b by a होगा, होगा कि नहीं, tan phi बराबर क्या होगा b by a, b यानी tan और ये भी tan, तो बताओ phi क्या होगी, phi by 4, phi हो गया phi by 4, आया समझ में, तो 45 डिग्री और क्या, ठीक है बाकी सब कुछ तो निकल जाएगा अपने आप, आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया, अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखना भाई, ये क्वेश्चन तो वही कर चुके हैं, क्वेश्चन है लिखिएगा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, है ना, एक ऑब्जेक्ट जो एसएचएम कर रहा है एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट ए बाई टू, पार्टिकल जो है ए बाई टू है एंड इज मूविंग अलोंग, और मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है भाई, फाइंड फेज कॉन्स्टेंट, फाइंड फेज कॉन्स्टेंट, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्या पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम of amplitude A at t equal to 0, it is located at A by 2 and is moving along positive x, find the phase constant, very very important question, शुरुआत में कम से कम इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि भाई t equal to 0 पे A by 2 है, अब देखना ध्यान से जब वो मूव कर रहा होगा A by 2 पे होगा, प्लस A by 2 लिखा है माइनस A by 2 तो नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ओरिजिन से राइट में, ये बात तो कहेंगे, और ये ए यहाँ है ए वाई टू यहीं पर होगा कहीं, अब यहाँ पे ना वो दो कंडीशंस बन सकता है, ठीक है एक जाते समय और एक आते समय, दोनों तो हो सकता है भाई, एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा हो या आ रहा हो या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो या आ रहा हो, दो कंडीशंस बन सकते। तो फेज कॉन्स्टेंट जो है, फेज कॉन्स्टेंट मतलब क्या पूछ रहा है, इनिशियल फेज फाइव पहुंच रहा है, और वो फाई जो है ना कंप्लीटली डिसाइड करता है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, सुनना ध्यान से लिख लो कहीं पे, फेज कांस्टेंट कंप्लीटली डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल at t equal to zero, पार्टिकल कहां है और किधर मूव कर रहा है, ये दोनों चीज कौन डिसाइड करता है, फेज कॉन्स्टेंट फाई डिसाइड करेगा, ठीक है भाई, इसका फेज कॉन्स्टेंट मतलब फेज कॉन्स्टेंट अगर आपको निकालना है तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो है कहां और किधर जा रहा है, नहीं तो यूनिक फेज कॉन्स्टेंट आप नहीं निकाल पाएंगे। और ध्यान से सुनो, अच्छा फेज कॉन्स्टेंट का वैल्यू जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग इक्वेशन किस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर साइन से स्टार्ट करेंगे तो कुछ और आएगा और कॉस से स्टार्ट करेंगे तो कुछ और आएगा, तो साधारणतः हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं, वाई इक्वल्स टू ए साइन, आप एक्स भी ले सकते हैं ए साइन, अच्छा एक्स में मूव कर रहा है ना, हाँ तो एक्स ले लो, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही फाई निकाल देना भी, एट टी इक्वल टू जीरो कहां पे लोकेटेड है, ए बाई टू ए साइन फाई, ठीक है भाई,
कोई दिक्कत, t इक्वल टू जीरो हमने पुट कर दिया, x का वैल्यू y को पुट कर दिया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ a काट देंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक साइन फाइव इक्वल टू वन बाई टू लिख लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली लिख लेते फाइव इक्वल टू क्या बोलो फाइव बाई सही है 30 डिग्री, साइन 30 वन बाई टू होता है कि नहीं। लेकिन सेम सिंगल साइकिल में इसका एक और बार वैल्यू पॉसिबल है, क्या चीज बोलो तो 5/6 भी पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो पॉसिबल है ना भाई, 5/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला और सेकंड क्वाड्रेंट में 5/6 दो एंगल्स पॉसिबल हैं। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे भाई कि 5/6 लेंगे कि 5/6, तो वो किससे पता चलेगा बताओ, लोकेशन का यूज तो कर लिया, दूसरा क्या यूज करना है, डायरेक्शन का यूज, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो देखना v निकालेंगे, इससे v निकालो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, क्या आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t plus pi, समझ रहे हो, साइन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अरे x को डिफरेंशिएट करने किससे वेलोसिटी मिलता है कि नहीं, साइन को हमने क्या कर लिया डिफरेंशिएट कर लिया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट किए cos आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस पे डिपेंड कर रहा है, आगे माइनस माइनस कुछ नहीं। अब बताओ गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो ए बाई टू पे लोकेटेड है और किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, अगर वो मोशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का साइन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बताता, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए ना भाई, तो इसमें t इक्वल टू जीरो में पुट कर लो, क्या पुट क्या आएगा बताओ, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस फाइव। अब बताइए किससे आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा, पाई बाय सिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस को पॉजिटिव बनाएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और फाइव पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स अरे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव बना देगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल किसी भी मतलब कॉस को तो नेगेटिव बनाता ही, तो नेगेटिव बना देगा, तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अरे वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स में है कि नहीं, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कौन सा एंगल लेंगे, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स कब होता, अगर वो लेफ्ट में आ रहा होता, हम बताए कि वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, a by 2 पे रहते हुए उधर जा रहा हो या आ रहा हो, तो जब आ रहा होता ये इंफॉर्मेशन दिया रहता तो फाई का वैल्यू क्या लिखते, 5 by पाई बाई 6, तो खाली लोकेशन देख के आंसर 5 by 6 नहीं बता देना है, उसमें उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंसिडर करना, जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगेन सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ए एम्पलीट्यूड कैसे चेंज कर रहा है एट टी इक्वल टू जीरो, ए वाई रूट टू लोकेशन पर है एंड इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स, इस बार नेगेटिव एक्स दे दिया, तो सब कुछ सेम रहेगा, एक्स का वैल्यू ए साइन फाइव है ना टी इक्वल टू जीरो पे, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऑब्वियसली हम लोग इक्वेशन यूज कर रहे हैं a equals to, sorry, x equals to a sin omega t plus pi, है ना, तो इनिशियली x का वैल्यू क्या है a by root 2, जैसे a कैंसिल हो गया तो sin phi का वैल्यू pi by 4, sorry, sin phi का वैल्यू 1 by root 2, तो phi का वैल्यू pi by 4 या फिर 3 पाई बाई 4, दो वैल्यूज आ गए, एक पाई बाई 4 होगा, एक पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4। अब कि कौन सा लेना, नेगेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल उठा लिया, वहां से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला, ठीक है। दूसरा एक तरीका है इसी चीज को बनाने का, वो ये है कि आप साइन फाई का ग्राफ बना लें, क्या करें, साइन फाई का ग्राफ बना लें। अब देखिए साइन फाई के दो वैल्यू, दो ग्राफ मिलेंगे, मिल गया, अरे मिला, और इसी का डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी होता है, तो
अगर x वर्सेस t का अगर ग्राफ देख रहे हैं आप, तो उसमें इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा कि नहीं? तो ये क्या पॉजिटिव वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, स्लोप इसका पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव। एक है अगर पाई बाई सिक्स, तो पाई में से इधर सिमेट्रिकल ग्राफ होने की वजह से इधर से पाई बाई सिक्स, इधर से भी पाई बाई सिक्स, तो फाइव पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स। उसी तरह से एक अगर पाई बाई फोर है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। और ऑब्वियसली इस पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव, इस पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव, तो इस बार क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव था तो हम लोग थ्री पाई बाई फोर को सिलेक्ट कर लिया आंसर। तो ये एक आसान तरीका है जिसमें बिना इक्वेशन को यूज किए भी आप आंसर ला सकते हैं। समझ में आया? चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन बता दीजिए। मान लीजिए वो मूव कर रहा है माइनस, जब समय मूव कर रहा है एट इक्वल्स टू जीरो, वो माइनस रूट थ्री बाई टू ए पे है एंड पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है भाई? समझ में आया? बाकी सब कुछ सेम। इट इज लोकेटेड एट माइनस रूट थ्री ए बाई टू एंड इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। जल्दी से कॉपी करिए और उसको अटेम्प्ट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? इसको क्या लिखेंगे? माइनस रूट थ्री बाई टू ए इक्वल्स टू ए साइन फाइव लिख लेंगे क्या? फाइव निकाल लेना है यहां से भाई। तो ए अगर साइन फाइव का वैल्यू अगर माइनस रूट थ्री बाई टू आया है, ग्राफ बना लो, ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहां पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? 60 डिग्री है तो पाई प्लस पाई बाई थ्री होगा या फिर टू पाई माइनस पाई बाई थ्री होगा। वेलोसिटी हमको पॉजिटिव चाहिए तो यहां वाला होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है ना? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं? तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है ये वाला होगा, मतलब टू पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी सिक्स पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी फाइव पाई बाई, ये आंसर होगा। अगर कोई माइनस फाइव बाई थ्री लाए तो वो भी सही, बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का इधर का सॉल्यूशन आ जाएगा वो, ये दे रहा हूं माइनस फाइव बाई थ्री। चलो तो इस तरह से हमने इनिशियल फेज निकालने के क्वेश्चंस कर लिए, आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है? अच्छा अब इतना हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है टाइम पीरियड से रिलेटेड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है? बोला गया बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक? ध्यान से सुनिए। y इक्वल्स टू अगर बोले a साइन 2 ओमेगा t, तो वास्तव में यही ओमेगा, इफेक्टिवली यही ओमेगा का रोल प्ले कर रहा है ना? तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 2 पाई बाई 2 ओमेगा, है ना? तो पाई बाई ओमेगा होना चाहिए, अब बन जाएगा, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए बोले y इक्वल्स टू a साइन 3 ओमेगा t, ये ओमेगा का रोल प्ले कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 ओमेगा, है ना? अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा पूछ देगा कि भाई साहब बताइए इसका क्या स्थिति, a साइन ओमेगा t प्लस a साइन 2 ओमेगा t, ठीक है? अब ये बताओ ये SHM है कि नहीं है? देखो पहली बार ऐसा ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें ओमेगा ओमेगा अलग अलग है, ठीक है, है ना? ओमेगा ओमेगा अलग अलग है, इसमें क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें ये एक अलग SHM है, ये अलग SHM है, तो ये पीरियोडिक तो होगा, ये बात तो तय है। SHM हम लोग नहीं बता पाएंगे तब तक जब तक डिफरेंशिएट करके ये सिद्ध ना कर लें कि d2y/dt² प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको जब फॉलो करने लगे तो कहेंगे भाई SHM है। अब ये SHM हो नहीं हो पीरियोडिक तो है,
अरे भाई एसएचएम हो नहीं हो, पीरियोडिक तो है, तो टाइम पीरियड तो इसका भी पूछा जा सकता है। ये एक अलग एसएचएम कर रहा है, ये एक अलग एसएचएम, और दोनों को मिला दिए, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2π / ओमेगा, इतना टाइम पे ये रिपीट हो रहा होगा, और इसका टाइम पीरियड क्या है? पाई बाई ओमेगा, तो ये इसका डबल है ना। मान लो कि एक पीरियड, एक पीरियडिक मोशन 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है और एक 2 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, तो दोनों एक साथ कब रिपीट होते हुए देखेंगे? देखना, अगर इनका हम ग्राफ बनाएंगे ना, एक का पीरियड है ऐसा, ठीक है, और एक का पीरियड है ऐसा, समझ रहे हो? अरे भाई एक का पीरियड डबल है ना दूसरे का, तो जिसका पीरियड डबल है वो बड़ा वाला होगा, ये सब जिसका पीरियड आधा है वो पहले ही रिपीट हो रहा है ना, उसके आधे में ही रिपीट होना शुरू कर देगा, तो दोनों साथ में कब रिपीट होना शुरू होगा भाई? यहाँ पे, यहाँ पे क्या, यहाँ ये दोनों रिपीट होना शुरू हो रहा है, जहां पे इसका अपना पीरियड खत्म कर लिया, जल्दी निपटा लिया भाई काम, वो आधे रास्ते में, अरे ये तेज है ना, जल्दी निपटा लिया ना, ये बेचारा आधे रास्ते में, क्या ये रिपीट करेगा? नहीं, ये रिपीट करेगा, ये तो रिपीट कर रहा है 2 सेकंड के बाद, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो कंबाइंडली क्या दोनों रिपीट होते हुए दिखेंगे 2 सेकंड के बाद? नहीं, दोनों कब रिपीट होते हुए दिखेंगे? कॉमन एक एलसीएम का टाइम पीरियड अगर ले लो, तो वहां पे दोनों रिपीट होते हुए दिखेंगे कि नहीं? एलसीएम ले लो, तो कॉमन मल्टीपल हो गया, क्या भाई मैं भी काम अपना निपटा लिया, मैं 2 बार निपटा लिया, तुम 1 बार निपटाए, अब चलो फिर से रिपीट करते हैं, समझ रहे? ये 2 बार निपटा लेगा 4 सेकंड में, ये 1 बार निपटाएगा और फिर से रिपीट होना शुरू होगा, देखो यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, जैसा था वैसा कॉमन, तो कॉमन जो एलसीएम वाला टाइम पीरियड है, यानी ये वाला जो होगा 2π / ओमेगा, इसी के साथ वो रिपीट करेगा, समझ रहे? ये होगा इस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बन जाएगा, जल्दी से कॉपी करिए।